Hello students, welcome to the 7th class on current affairs. Now this class is on a very important topic, that is Simla Agreement. Now why this topic is important from Maine's point of view? The reason is, recently Narendra Modi government has abrogated article number 370. Article 370 ko abrogate kar diya humne. To ab hum basically kya samjhenge? Ki isme शिमला एग्रीमेंट का बार बार से बात क्यों हो रहा है, वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट शिमला एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट, एंड वाई डोनाल्ड ट्रंप इन लास्ट मंथ हैड सेड दैट ही इज रेडी फॉर बिकमिंग अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द शिमला एग्रीमेंट फ्रॉम लास्ट मंथ परस्पेक्टिव व्हेन डोनाल्ड ट्रंप हैड propose that he will act as a mediator between India and Pakistan. Now, why Donald Trump had said that he will act as a mediator? Now, the reason for that is, there is a lot of pressure on United States of America to resolve its ongoing conflict in Afghanistan. And that conflict can be resolved only with the involvement of Pakistan. And Pakistan will help United States of America only if United States of America in any way will help Pakistan to resolve Kashmir's conflict. So that was one of the reasons why Donald Trump had said that he is ready to mediate between India and Pakistan. But is India ready for mediation? Do we really need a mediator? Kya hum chahte hain ki koi humme Kashmir ke mudde ko leke humme koi mediate kare dono ke beech mein? Kya India is cheez ko leke ready hai? Answer for that is no. Now, why the answer is no? India never wanted to internationalize Jammu and Kashmir issue. Since beginning, since India has got its independence, and since the days of conflict of Jammu and Kashmir, India has always maintained one stance. That stance is that Jammu and Kashmir is a bilateral issue and this issue should be resolved between India and Pakistan. No other country has the right. No other country should try to mediate. No other country should try to exercise pressure either on Pakistan or on India in resolving this conflict. So that had been the stance. And this stance was formalized by India and Pakistan in the form of Simla Agreement. 1972 में दोनों पार्टीज ने मिलके ये डिसाइड किया कि ये जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान का के साथ हिंदुस्तान का कश्मीर को लेके, ये दोनों देश बायलेटरली इसको रिजॉल्व करेंगे. तो एग्रीमेंट साइन हुआ जब 1971 का 71 का वॉर खत्म हुआ, बांग्लादेश बना. बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुस्तान ने बहुत सारे पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ लिया था, उनको अरेस्ट कर लिया था, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के हमने रखा हुआ था यहां पे, उनको पाकिस्तान वापस लेना चाहता था. एंड पाकिस्तान ये चाहता था कि जितना भी ट्रांसग्रेशन हुआ है या तो हिंदुस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे की टेरिटरी में, वो भी खत्म हो जाए और पुरानी डेट के हिसाब से जहां पर फौजें पहले खड़ी थी लड़ाई के पहले, वहीं पर फौजें जाके दोबारा से खड़ी हो जाए. तो ये वाला चीज पाकिस्तान चाहता था. एंड इसी की वजह से एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं हम शिमला एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट इंदिरा गांधी के बीच में हुआ. इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में हुआ. जुल्फिकर अली भुट्टो वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. नाउ आज की डेट में जब हमने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है, एब्रोगेट कर दिया, इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया है, तो उस सिनारियो में बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये मुद्दा जो है ये शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सुलझाना चाहिए था थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन एंड डिबेट, बट इंडिया हैज एक्टेड यूनिलेटरली. इंडिया बाय एक्टिंग यूनिलेटरली हैज abrogated this article 370, और यह बहुत गलत किया हिंदुस्तान ने.
इसी बात को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस में भी बोल के आया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी यही कहा है कि बायलेटरली इसको रिजॉल्व करना चाहिए था, बट यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया कि वो बीच में नेगोशिएशंस में नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास शिमला एग्रीमेंट है, जिसका बार बार से जिक्र आ रहा है। इस एग्रीमेंट के बाद एक और एग्रीमेंट है, दैट इज लाहौर एग्रीमेंट। लाहौर एग्रीमेंट, नाउ व्हाट इज दिस लाहौर एग्रीमेंट? नाउ दिस लाहौर एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज साइंड बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में 1999 में एक एग्रीमेंट दोबारा से साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि जो भी झगड़ा है हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ, दे विल ट्राई टू दिस रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द स्पिरिट ऑफ शिमला एग्रीमेंट। जिस तरह से शिमला एग्रीमेंट में कहा गया था उसी तरह से हम इसको करने का कोशिश करेंगे। सी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनलाइजिंग दिस इशू, बिकॉज आफ्टर 1950s पाकिस्तान हैड गॉट द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट हैड गॉट द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज ट्राइंग टू एक्सर्ट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम वॉज ट्राइंग टू एक्सर्ट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, इंटायर कैपिटलिस्ट लॉबी वॉज एक्सर्टिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। बट राइट नाउ द इक्वेशन हैज अंडरगॉन अ चेंज, द कैपिटलिस्ट लॉबी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, द कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम इट हैज नॉट फ्लरिश्ड टू द लेवल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड इन 1950s एंड 60s। So the war between capitalism and communism, it no longer exists, and that is one of the reason why United States of America, it has shifted its focus on India, it has shifted its focus on South Asia. But now, because now their main adversary is not Russia, rather now their main adversary is China. So alteration in the international equations have played an important role in the abrogation and in the deletion of this article number 370. So this was all for the class. In case you have any sort of doubt, and do write answer on this class. I have already uploaded a question on Magica. So you can visit the Magica platform on brainyis.com. Visit that platform, try to write answer on it. And aapko koi bhi isme samajh nahi aaya hai, you can contact my team at 84594-0000. So this was all for the class. Bye bye. Take care. Have a nice day.